बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जो कि लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे आज जिंदगी की जंग हार गए। इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वो मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। आखिरकार आज वे जिंदगी की जंग हार ही गए। मंगलवार को खबर सामने आई थी कि अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तू लड़े और लड़े और लड़े। इनकी मौत से फिल्म जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film and yes, wait for me। ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज ऑनलाइन के बेल आइकन को दबाएं।